हेलो डियर, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं AJFIFA और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम खेलने वाले एक और PSG करियर मोड का न्यू एपिसोड। यस, मुझे पता है कुछ दिन से, यानी कि एक दो दिन से हमारे वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न था। और जैसे कि आपको पता है, क्रिकेट 22 भी हमने फाइनली ले ली है और उसके वीडियो अपलोड कंटिन्यू कर रहे हैं और वहाँ पर भी करियर मोड शुरू हो चुका है। अगर आपने वहाँ पर अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा था, गो एंड चेक इट आउट। और अब बता दें कि वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं कर रहे थे, कुछ तो ही प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब हम अपलोड कर रहे थे लेकिन पब्लिश होने की जगह पे कुछ और ही हो जा रहा था, तो इसलिए ये वीडियो एक्चुअली हमने एक दिन पहले करना चाहिए था लेकिन वैसा हो नहीं पाया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ जो भी हुआ, लेकिन हम फाइनली आ चुके हैं वापस वीडियो के साथ और PSG करियर मोड को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन मैं इसके पहले कुछ हो जाए, इस वीडियो शुरू हो जाए और आप सब लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा कमेंट करो कि नेक्स्ट जो हम करियर मोड करने वाले हैं उसमें हम किसी एक टीम को फिक्स करने वाले हैं। तो यू कैन टेल मी और यू कैन सजेस्ट मी वन नेम और वन टीम नेम जिसको आप चाहते हैं कि हम फिक्स करें और उसके साथ में वहाँ पे मैनेजर मोड जो है शुरू करें। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कौन सी टीम के साथ हमने करना चाहिए। मोस्टली जिस टीम को ज़्यादा कमेंट आएंगे या ज़्यादा वोट आएंगे, भाई साहब उसी टीम के साथ जो है हम नेक्स्ट एक्टिविटी फिर करने वाले, यानी कि नेक्स्ट मैनेजर मोड जो शुरू करेंगे। तो PSG के साथ हम पूरा एक सीज़न खेलेंगे और ट्राई करेंगे UCL में भी पूरा चैंपियनशिप जीतने का, और जो यहाँ पर इनका फर्स्ट लीग चल रहा है वहाँ पर भी ट्राई करेंगे विन करने का, और टॉप में रहने की हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे और लास्ट में देखेंगे हम कितने सक्सेसफुल हो पाए या नहीं हो पाए। तो वो सारी बातें तो बाद की हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी न्यू टीम है जिसको हम फिक्स कर सकते हैं और जहाँ पे हम जा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं फिर ख़राब कर सकते हैं, मतलब दैट डिपेंड्स भाई, आप क्या सोचते हो हमारे बारे में वो हमको पता चल सकता है। तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं मैच की तरफ। तो फर्स्ट जो मैच होने वाला है वो तो हमारा लीग का ही मैच है, डोंट वरी। लेकिन वरी करने की बात इसलिए बिकॉज हमने बहुत सारे मैच हारे भी हैं, लेकिन फिलहाल हम नंबर 2 की पोजीशन पे चल रहे हैं। लेकिन जो ये मैच होने वाला है ब्रोडेक्स के साथ जो मैच होने वाला है, तो हम ये ऐसी होप करके चल रहे हैं कि ये सारे मैचेस जो अच्छे और हमारे फेवर में हो, ताकि जो हमारी पोजीशन है थोड़ी स्ट्रांग हो जाए और जब फाइनली हम मैच खेलें वहाँ पे नंबर 1 की टीम के साथ उनको बीट कर दें। सो भी को मैच की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और आज भी हम ट्राई करेंगे अग्रेसिव खेलने की, बिल्कुल भी डिफेंसिव मोड में नहीं रहेंगे, अग्रेसिव खेलने की ट्राई करेंगे। और बहुत ही बढ़िया बॉल वहाँ पे डी मारिया के पास, और डी मारिया ने बॉल दे दी है अंपे के लिए, अंपे बन गए भाई, अंपे बन गए। तो डी मारिया को नया चांस दिया है हलन की जगह पे, और आई डोंट नो मैं क्या करने वाला है भाई, देखना पड़ेगा। ओके, बढ़िया हेडर था लेकिन काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ और डिफेंस के पास पूरा बॉल, वापस बॉल थी और अंपे के पास बॉल थी, बहुत ही बढ़िया बॉल डी मारिया के लिए। डी मारिया का अच्छा शॉट था ये, मुझे लगता गोल स्कोर हो सकता था यहाँ से, काफ़ी क्लोज चांस था लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल हो नहीं पाया। और कॉर्नर की तरफ बढ़े हैं, हेडर वहाँ से ज़बरदस्त लेकिन बहुत तगड़ा सेव वहाँ पे, तो कुछ खास प्रॉब्लम आने नहीं है। लेकिन यहाँ पे टीम बढ़िया अटैक बनाते हुए, बहुत बढ़िया मूवमेंट है यहाँ पे, बहुत बढ़िया मूव, और मुझे लगता है बॉल अंदर डाल दी और यहाँ से एक अजब गजब कहानी हो चुकी है और हमारे ऊपर गोल लग चुका है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि हम अटैकिंग खेलेंगे डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा डिफेंस डिफेंस ही ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा फिलहाल हो चुका है। और पहला गोल जो है अपनी टीम ने जड़ दिया, और गोल काफ़ी मुझे लगता है सिंपल तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत ही परफेक्ट पास था, जहाँ पे होना चाहिए था देखो बिल्कुल वहीं पे पास था, और फिर तो कुछ करना नामुमकिन था। तो बहुत ही बढ़िया गोल वहाँ पेलेस के द्वारा। ओके, अटैक करते हुए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बॉल मैसी के लिए, और मैसी ने पास कर दिया गोई के लिए, और गोई का बहुत ही ज़बरदस्त शॉट, और फाइनली PSG ने भी वापसी कर लिया, डी बॉक्स के बाहर से शॉट लगाया था और बहुत ही बढ़िया शॉट था और देखने लायक इसलिए था बिकॉज काफ़ी डिस्टेंस जो था कवर किया यहाँ पे शॉट के साथ, लेकिन जो गोल कीपर थे भाई साहब वो डिस्टेंस जो है ना बॉल तक का कवर नहीं कर पाए, मतलब काफ़ी सा चांस बना था उनके लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट प्लेसमेंट वहाँ पे की, देखिए राइट फुट से बिल्कुल एंगल लगा के बाहर की तरफ डाइव वाला करना पड़ा गोल कीपर को, लेकिन मुझे लगता नहीं सक्सेसफुल हो पाया, बहुत ही बढ़िया शॉट, थोड़ा सा कर्व हो गया था जिसका फ़ायदा हमको मिला और थोड़ा सा लो रेंज में भी था, तो ये भी ज़्यादा अच्छी बात थी। तो फाइनली एक एक की बराबरी पे ये मैच हो चुका है, लेकिन अब देखना है कि क्या यहाँ से होने वाला है, और काफ़ी कम टाइम बचा है फर्स्ट हाफ के लिए, लगता है फर्स्ट हाफ यहाँ पे एंड हो जाएगा। और जी हाँ, फर्स्ट हाफ का एंड यहाँ पे हो चुका है, दोनों टीमें एक एक गोल की बराबरी पे चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ कुछ ज़्यादा डिसाइडिंग होने वाला है बिकॉज सेकेंड हाफ में जो टीम गोल स्कोर करेगी हो सकता है फिर वो लीड लेके आगे बढ़ जाए। ओके, सेकेंड हाफ की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया छोटे छोटे पासेस के साथ शुरुआत की अपनी टीम ने, लेकिन वापस अटैक पे करते हो, बहुत ही बढ़िया मूव था लेकिन ज़बरदस्त सेव वहाँ पे हमारे गोल कीपर द्वारा, और अटैक बनते हो, बहुत ही बढ़िया बॉल है, क्या ओ हो मैसी भैया का जबरदस्त हेडर था लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, पॉम्पे के पास बॉल है यहाँ से बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा शॉट, लेकिन बहुत अच्छा सेव वहाँ पे गोल कीपर द्वारा, नो डाउट बहुत ही अच्छा एफर्ट था, और सुनील छेत्री को तैयार करने की ट्राई कर लेकिन पता नहीं अब चांस मिलता है नहीं मिलता है, मार्जिन के बहुत ही बढ़िया बॉल, मैसी के लिए बॉल मिली और मैसी यहाँ से गोल स्कोर करने बिल्कुल भी चूक नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैसी भैया को जब भी चांस मिलता है ना, मैसी भैया कमाल कर देते हैं, और देखो फाइनली कमाल कर दिया है और टीम जो है लीड में आ चुकी है। तो ये विन हमको चाहिए अब यहाँ से, क्योंकि सेकंड गोल हमने जड़ दिया है, गोल की लीड हमारे पास है और बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन यहाँ पे दोनों के बीच में, और बहुत अच्छा पास था नेमार का, और
मैसी भैया फिनिश के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, जबरदस्त फिनिश यहाँ पे, जबरदस्त। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, और इससे पहले गोल कीपर चेक कर पाते कि क्या करने वाले हैं। उसके पहले भाई रॉकेट दाग दी थी हमने, हमने बिल्कुल नहीं ट्राई किया था ये बार कि हम थोड़ा सा लो जाएंगे या प्लेसमेंट की तरफ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, इसलिए मैंने ये कर दिया यहाँ पे। लेकिन वापस अटैक भी बहुत जबरदस्त से वहाँ पे गोल कीपर द्वारा, काफ़ी कम नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम है उनके पास अभी। ओके बहुत बढ़िया मूव, बहुत ही डी मारे का सुंदर पास एमपे के लिए, और यहाँ से गोल स्कोर जबरदस्त। एंड जो मैंने कहा था कि आज हमने हाई रेंज में शॉट लगाने की ट्राई की नहीं थी, वो भाई इतनी खुशी, क्या बात है क्या बात है, इतनी खुशी हमारे पूरे स्टेडियम से, पीएसजी का पूरा स्टेडियम में गूंज उठा है इस टाइम पे, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। वो भाई गोलकीपर की बहुत खुशी, इतना सब क्या चल रहा है यहाँ पे। ओहो 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 भाई साहब, मतलब तीसरे गोल मारने में जैकपॉट वॉकपॉट था क्या, क्या बात है, बहुत ज़्यादा। इतनी खुशी तो हमने किसी गोल में देखी जितनी यहाँ पे हुई है। बहुत ही बढ़िया पास था, लेकिन नो डाउट डी मारे ने अच्छा पास वहाँ से दिया था। और मैंने पहले भी कहा था कि हाई रेंज में गए ही नहीं हम, हाई रेंज से अप नहीं लेके गए बॉल को, जितना हो सके ग्राउंड खेलने की ट्राई की थी। और ये शॉट में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नीचे खेला हुआ था, और बहुत बढ़िया स्विंग होकर बॉल जो है ना अंदर गई है। बहुत सुंदर गोल, देखने के लिए मज़ा है भाई साहब, लेकिन ज़बरदस्त फिनिश वहाँ पे। और पीएसजी का गोल नंबर 3 जो है आ चुका है यहाँ पे, और मतलब बिग विन की तरफ बढ़ रहे हैं हम यहाँ से। 2 गोलों का काफ़ी ज़्यादा लीड है अपोनेंट टीम के लिए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि टाइम काफ़ी कम अपोनेंट टीम के पास, और इसी के साथ ये मैच यहाँ पे एंड। तो फर्स्ट विन जो है काफ़ी अच्छा रहा पीएसजी के लिए। 1 गोल हमने खाया इनके अगेंस्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 गोल चलो ठीक था, लेकिन बाद में जो 3 गोल जड़े ना भाई साहब रिप्लाई में, वो कतई जाहिर थे। मतलब पहला गोल जो है ना अपोनेंट टीम ने लगा दिया था, मेरे हिसाब से तो मॉरल डाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन डाउन होने नहीं दिया भाई, फाइनली और अप रखा मॉरल को, जिसकी बदौलत जो है गोल स्कोर कर दिया। तो फाइनली ये मैच तो जीत लिया हमने, तो मुझे लगता है इसे शायद रैंकिंग में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ऑलरेडी नंबर 2 पे चल रहे हैं। लेकिन हमसे ऊपर जो है ना वो है ओम टीम, ओम उनके 60 पॉइंट है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि उन्होंने बीच में मैच हारने चाहिए, और जब हमारा उनके साथ मैच आए तो हमने उनसे जीतना चाहिए, उनका ही मैच नहीं जो भी बाकी के मैच आ रहे हैं वो सारे मैच भी हमने जीतने चाहिए, तो ही हम टॉप की पोजिशन में जा सकते हैं। तो ये थोड़ा देखने लायक होने वाली बात है। तो फिलहाल तो हमने हेलेंड को वापस ले लिया टीम में, डी मारे को रेस्ट दिया, लेकिन अब हेलेंड भैया को वापस दिया, और हेलेंड भैया काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंसी दे रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में थोड़ा सा फटीक का इशू था तो मैंने उनको बाहर बिठाया था, लेकिन अब वापस बुला लिया एसी मोनाको के साथ ये मैच। और मोनाको काफ़ी अच्छी टीम है जिसे कि आप सभी जानते हैं, और काफ़ी लाजवाब प्लेयर हैं इनके पास, और जिनकी बदौलत ये मैच निकाल सकते हैं इस पीएसजी। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इस मैच में क्या होता है, कौन सी टीम को जब भारी निर्णय पलड़ा है, यानी कि पीएसजी या फिर एसी मोनाको। लेकिन मुझे तब मोनाको बोलता हूँ, मोनाको अब सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका उन्होंने, लेकिन हमारे मतलब हमारे एक्सेंट में तो ऐसे बोलते हैं मोनाको या मोन क्यों, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये भी वो मैच की शुरुआत हो चुकी है, और बहुत ही बढ़िया पास वहाँ पे रफीक के पास, और मेसी भैया के पास बॉल थी, जबरदस्त शॉट था, लेकिन नो डाउट कि वहाँ पे गोलकीपर भी अच्छा था, तो सेव तो ऑफकोर्स करेगा यहाँ पे, लेकिन अच्छा टाइम था, मतलब गोल स्कोर कर सकते थे जो भी। ओहो हो हो, काफ़ी दूर जाके बॉल रोकना पड़ा, लेकिन अच्छा मूव था ये, बहुत बढ़िया। मेसी के पास बॉल है और थोड़ा सा अप गई है इस मैच में, अप खेलने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं मिला है। ओके नेमार के पास बॉल है, यहाँ से नेमार भैया ने पास कर दिया, बहुत ही बढ़िया बॉल, और हेलैंड के पास बॉल आई यहाँ पे, हेलैंड का जबरदस्त, मतलब मुझे लग रहा था शायद बॉल ना पास करने की ट्राई कर रहे थे, क्या कर रहे थे आई डोंट नो, लेकिन जो भी कर रहे थे भाई उसकी बदौलत जो है गोल तो यहाँ पे आ चुका है फाइनली। ये देखो बहुत ही बढ़िया बॉल थी, हेडर मारने की ट्राई थी, लेकिन अपोनेंट के पास से ही बॉल आई थी, और हेलैंड भैया बिल्कुल सही पोजीशन पे, सही टाइम पे और सही वक्त पे खड़े थे, और अपनी लंबी टांगों के साथ ये पैर निकाला बाहर और गोल में डाल दिया है भाई साहब ये बॉल, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल तो 1 गोल जो है पहला लगा दिया है पीएसजी ने अगेंस्ट मोनाको, और मुझे लगता है कि ये गोल को अगर लीड ओके तो इस गोल के साथ कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ ही चुका है पीएसजी के, लेकिन अब देखना है क्या इस गोल के साथ और भी गोल जो हम जड़ सकते हैं नहीं जड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मोनाको भी अच्छी की ट्राई कर रही है, मुझे लगता है इस हाफ का यहाँ पे एंड होने वाला है, काफ़ी कम टाइम बचा है, और ओहो जबरदस्त शॉट था, अनफॉर्चुनेटली गोल ढूंढ नहीं पाए, लेकिन इस हाफ को एंड कर सकते थे ये 1-1 के साथ, लेकिन इतनी जबरदस्त ट्राई होने के बाद भी गोल स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये हाफ पीएसजी के नाम रहा, और अब सेकंड हाफ देखते हैं किसके नाम जाने लगा। फिलहाल तो हेलैंड भैया के जबरदस्त एफर्ट के साथ गोल तो हो ही चुका था, लेकिन अब बढ़ते हैं सेकंड हाफ की तरफ, और बहुत ही बढ़िया मोमेंट अम्पे के पास, यहाँ पे बॉल है, बहुत ही अच्छा पास रफीना के लिए, और बहुत ही बढ़िया ट्राई थी, लेकिन वापस एक सही जगह पे जो है ना हेलैंड भैया पहुंच चुके हैं। मतलब ट्राई जो है पीएसजी वाले अपोनेंट के लिए जो कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं गोल स्कोर करने के, लेकिन उस प्रॉपर ट्राई का जो फुल यूटिलाइजेशन है ना वो कर रहे हैं भाई हेलैंड भैया। और ऐसा है कि एलन हेलैंड का जब भी बॉल आ रही है और वहाँ पे ऐसी मूवमेंट में बॉल आ रही है कि जहाँ से गोल करना जो है ना कन्फर्म ही हो जा रहा है, बिल्कुल चांस रह नहीं रहा कि गोल नहीं कर पाएंगे यहाँ से। और बहुत ही बढ़िया ट्राई तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन
मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह पे जो है ना हेलेंड भैया पहुँच चुके थे और इसकी बदौलत जो है गोल स्कोर हो गया। बहुत ही बढ़िया मूव और बहुत ही बढ़िया फिनिश किया उसको हेलेंड ने अपने हेडर के साथ और गोल नंबर 2 जड़ दिया पीएसजी के लिए और अपने खाते में भी 2 गोल जड़ दिए हैं। तो फिलहाल हैट्रिक के भी काफी क्लोज चल रहे हैं हेलेंड भैया, मुझे लगता है कहीं हैट्रिक दे सकते हैं बिग विन के साथ। और वापस अटैक पे हकीमी के पास बॉल है, बहुत ही अच्छी मूवमेंट हेलेंड का, एक और जबरदस्त शॉट और क्रॉस बार पे जाके लगा ये गेंद, गोल स्कोर हो सकता था। वापस अटैक पे अम्बे के पास बॉल है और वापस सेंटर में बॉल डाल दिए और मेसी के पास बॉल दी, अच्छी ट्राई लेकिन हेलेंड भैया वापस एक नंबर जगह पे और हैट्रिक जड़ दिए इसी के साथ। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज इस बंदे की किस्मत इतनी अच्छी है, ये क्या कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही जगह पे प्लेस हो रही है, जब भी रिबाउंड आए, जब भी मतलब रिबाउंड किंग हो चुके हैं आज के मैच में। मैसी भी ना जबरदस्त शॉट लिया था और काफी ग्राउंडेड शॉट भी था, रुकने के चांसेस काफी कम थे लेकिन बोलता जब किस्मत बुलंद तो कुछ भी हो सकता है। ये देखो बहुत ही बढ़िया शॉट था एकदम फास्ट लेकिन हेलेंड भैया बिल्कुल खड़े थे और पैर लगाने की जरूरत थी। तो फाइनली गोल नंबर 3 यानी हैट्रिक जड़ दी और वापस अटैक पे वापस एक और ट्राई, गोल नंबर 4 जो है मिल सकता था हेलेंड को यहाँ से लेकिन गोल नंबर 3 के बाद 4 ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ से मोनाको के द्वारा और जबरदस्त सेव हमारे गोलकीपर द्वारा, बहुत ही तगड़ा मैच चल रहा है फिलहाल तो ये। ओके अटैक पे वापस मेसी के पास बॉल है, मेसी ने वापस पास दिया हेलेंड के लिए, हेलेंड भैया वापस एक नंबर जगह पे पहुंच चुके। और हेलेंड मतलब हेलेंड के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो है ना जितने पैसे दिए थे हमने उसके सारे जो है ना वसूल करने वाले आज इसी मैच में। और 4 गोल अभी तक जड़ दिए हैं पीएसजी ने और चारों के चारों गोल जो है ना वो हेलेंड ने जड़े हैं और जबरदस्त मूवमेंट वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गोल था ये वैसे मेसी भैया कर सकते थे लेकिन सेल्फिश ना होते और बड़े प्लेयर की निशानी दिखाते हो, क्या सुंदर पास किया और जबरदस्त पास और जिसकी बदौलत गोल नंबर 4 जो है ना यहाँ पे हेलेंड ने लगा दिया। और इस गोल लगाने को भी काफ़ी टाइम लिया ना, वैसे अगर ये फर्स्ट टच में गोल स्कोर करते तो ज़्यादा ईजी रहता था लेकिन इन्होंने बिल्कुल बॉल अपने पास आने दी और उसका फुल मूवमेंट और फुल स्ट्रेच करके जो है गोल जड़ा है। और वापस एक लास्ट अटैक करते हो मोनाको टीम और एक गोल ढूंढना चाहती है और जबरदस्त अटैक और लेकिन फिर भी गोल स्कोर नहीं कर पाए और इसी के साथ ये मैच एंड। और मुझे लगता है कि पीएसजी के लिए ना काफ़ी बड़े विन रहे हेलेंड के द्वारा, बिग विन और पीएसजी बाय हेलेंड बोल सकते हैं हम इसको, बहुत ही जबरदस्त। और हैट्रिक स्कोर की है, फर्स्ट हैट्रिक आई थिंक और काफ़ी ज़्यादा गोल भी स्कोर की, भाई 7 अटैम्प्ट लिए और 4 गोल स्कोर किए हैं, नो डाउट ऐसी वैसी कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी उन्होंने जिसकी बदौलत जो है पीएसजी के लिए काफ़ी अच्छी जगह पे आ चुके हैं। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि कैसे ना कैसे करके हम होम वाली जो टीम है हमारी उसके ऊपर पहुंचा जाए और नंबर 1 की पोजीशन जो है बरकरार की जाए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो थोड़ा लाइक मार देना, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे हो। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कमेंट जरूर करना है नेक्स्ट फिक्सिंग। बाय बाय।